ब्रिटिश लोक सदन में कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। लोक सदन ब्रिटिश संसद का, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोलते हैं, प्रथम सदन है जिसमें जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जबकि लॉर्ड सदन एक दुर्बल सदन है। अतः व्यवस्थापिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग लोक सदन द्वारा ही किया जाता है। संसद की सर्वोच्चता का व्यावहारिक अर्थ लोक सदन की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, अर्थात संसद के कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन वहाँ के न्यायालयों को नहीं है। संसद जो भी कानून पारित कर देती है उसी के अनुसार सभी को कार्य करना होता है। लोक सदन का विकास। ब्रिटिश संसद का विकास 13वीं सदी की प्रारूप संसद, अर्थात मॉडल पार्लियामेंट से हुआ है। सन 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम ने इस प्रारूप संसद को बुलाया था। इस संसद में बैरन, क्लर्जी, नाइट और नागरिक सम्मिलित हुए थे संयोगवश। इनमें नाइट और नागरिकों के हित एक समान थे। वो एक तरफ बैठ गए और इनसे आगे चल के लोक सदन का विकास हुआ। दूसरी तरफ बैरन और क्लर्जी, जो उच्च सदन, उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, वो बैठ गए। उनके हित एक समान थे और उनसे लॉर्ड सदन का विकास हुआ। इस प्रकार संसद द्विसदनीय बन गई, जो उच्च सदन लॉर्ड सदन और निम्न सदन लोक सदन बना। लोक सदन के आकार एवं शक्तियों में विकास लोकतंत्र की भावना के विस्तार के साथ साथ हुआ। जैसे जैसे मताधिकार का विस्तार हुआ, वैसे वैसे लोक सदन की शक्ति एवं प्रभाव में विस्तार हुआ। जैसे 1832 के सुधार अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया, 1872 में गुप्त मतदान प्रणाली लागू की गई। इसके अलावा भी मताधिकार के विस्तार के लिए 1867, 1884, 1918, 1928 और 1970 के अधिनियम महत्वपूर्ण हैं। 1928 के अधिनियम ने महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया। 1970 में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई। लोक सदन की शक्तियों में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई वो 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियमों द्वारा हुई, क्योंकि उससे पहले लॉर्ड सदन शक्तिशाली था, लेकिन इस मताधिकार के विस्तार ने, जैसे 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 मताधिकार का विस्तार होते गया, उससे लोक सदन की शक्तियां बढ़ती चली गई। और लोक सदन को सर्वाधिक शक्तिशाली 1911 व 1949 के अधिनियमों ने कर दिया। 1911 के अधिनियम द्वारा यह निश्चित किया गया कि कोई भी साधारण विधेयक लॉर्ड सभा केवल 2 वर्ष तक रोक सकती है, और 1949 के अधिनियम द्वारा इसे घटा के 1 वर्ष कर दिया गया। अर्थात वो केवल 1 वर्ष तक रोक सकती है। यदि वह 1 वर्ष में नहीं लौटाए तो विधेयक कानून पारित माना जाता है। और 1949 के अधिनियम में यह निश्चित किया गया कि कोई भी वित्त विधेयक 1 महीने तक ही लॉर्ड सभा रोक सकती है। अर्थात लॉर्ड सभा की शक्तियां इन दोनों अधिनियमों द्वारा सीमित कर दी गई। लोक सदन का महत्व। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में लोक सदन का केंद्रीय महत्व है। यदि सम्राट लॉर्ड सदन को शासन का
अलोकतंत्रीय पक्ष कहा जा सकता है, अर्थात सम्राट व लॉर्ड सदन को शासन का अलोकतंत्रीय पक्ष कहा जा सकता है, तो लोक सदन लोकतंत्र का विकसित एवं मूर्त रूप है। अनेक देशों के लोकतांत्रिक संविधानों ने अपने यहाँ प्रथम सदन की स्थापना में ब्रिटिश लोक सदन से प्रेरणा ली है। लोक सदन का संगठन रचना, इसकी सदस्य संख्या 659 है। निर्वाचन एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों, जिन्हें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भी कहा जाता है, के आधार पर होता है। संपूर्ण देश को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में, अर्थात प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसका तात्पर्य उन क्षेत्रों से खड़े कितने ही हो सकते लेकिन जीतेगा कोई एक। निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के साथ गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। दूसरा है मताधिकार संबंधी अयोग्यताएं। निम्न व्यक्तियों को लोक सदन के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। इनमें है 18 साल से कम आयु के नागरिक, दूसरा लॉर्ड सभा के सदस्य, तीसरा गंभीर अपराधों में सजा पाए व्यक्ति, चौथा पागल व दिवालिया व्यक्ति, पांचवा चुनावों में गैर कानूनी कार्य करने वाले व्यक्ति, और छठवा विदेशी नागरिक। अर्थात ऐसे लोगों को लोक सदन के चुनावों में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। तीसरा है सदस्यों के लिए योग्यताएं। कि कौन व्यक्ति लोक सदन का सदस्य बन सकता है, तो पहली योग्यता है कि वह ब्रिटिश नागरिक होना चाहिए। दूसरा उसकी आयु 21 वर्ष या अधिक हो। तीसरा उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। चौथा है सदस्यों के विशेषाधिकार एवं वेतन भत्ते। सदन में विशेषाधिकार यह है सदस्यों के, जो लोक सदन के सदस्य हैं उनको सदन में भाषण की पूरी स्वतंत्रता होगी, और इस आधार पर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दूसरा सदस्यों को किसी भी दीवानी मुकदमे में संसद के सत्र से 40 दिन पूर्व या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सदस्य सामूहिक रूप से अपने विचार अध्यक्ष के माध्यम से राजा तक पहुंचा सकते हैं, ये इनका विशेष अधिकार है। सदस्यों को नियमानुसार सालाना वेतन तथा भत्ते मिलते हैं। उन्हें सरकारी रेल व बस आदि से निःशुल्क यात्रा का अधिकार है। सदस्यों को पेंशन का भी अधिकार है। छठवा है कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल लोक सदन के कार्यकाल के बराबर होता है और सामान्यतः यह 5 वर्ष होता है। लोक सदन के कार्यकाल निश्चित नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब तक सदन में बहुमत बना रहता है तभी तक लोक सदन बना रहता है, और जैसे ही बहुमत गिरता है उसी दिन लोक सदन भंग हो जाता है। लेकिन अगर बहुमत चलता रहे तो उसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। लोक सदन के पदाधिकारी अध्यक्ष, जिसे स्पीकर बोला जाता है, जो सदन की अध्यक्षता करता है, और उसकी अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। साधन समिति का अध्यक्ष, सदन का लिपिक जो रिकॉर्ड रखता है सदन का,
सार्जेंट एट आर्म्स जो सदन में अनुशासन बनाए रखने वाला अधिकारी है। अधिवेशन एवं कार्यप्रणाली। लोक सदन का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ शुरू होता है। परंपरा के अनुसार वर्ष में एक बार अधिवेशन होना जरूरी है, किंतु आवश्यकता होने पर अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। इसकी गणपूर्ति 40 है, किंतु किसी प्रस्ताव पर मतदान के लिए गणपूर्ति आधे सदस्यों की उपस्थिति मानी जाती है। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि परंपरा के अनुसार किसी सदस्य को त्यागपत्र देने का अधिकार नहीं है। ऐसी परंपरा है, जैसा आप हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश जाति का रूढ़िगत स्वभाव है, वो परंपराओं का ज़्यादा पालन करते हैं। तो परंपरा के अनुसार किसी सदस्य को त्यागपत्र देने का अधिकार नहीं है, किंतु जब कोई सदस्यता का त्याग करना चाहे तो इसके लिए एक सरल तरीका ढूंढ लिया गया है कि सदस्य चिल्ड्रेन हंड्रेड्स के प्रबंध की सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र देता है। यह एक ऐसी सरकारी नौकरी है जो आसानी से मिल जाती है और कोई विशेष काम नहीं करना होता, तथा इसकी प्राप्ति के साथ लोक सदन की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। अब है लोक सदन की शक्तियां एवं कार्य। पहला है विधि निर्माण संबंधी शक्तियां कार्य, अर्थात विधायी शक्तियां। विधि निर्माण के क्षेत्र में लोक सदन की शक्ति अंतिम होती है। लॉर्ड सभा किसी विधेयक को एक वर्ष तक रोक सकती है, साधारण विधेयक को एक वर्ष तक रोक सकती है, किंतु अंत में वह विधेयक कानून बन जाता है यदि वह एक वर्ष में उसे संशोधन के साथ लोक सदन को लौटा दे, तो फिर लोक सदन उसे दोबारा पारित कर देता है, और अगर नहीं लौटा एक वर्ष के भीतर तो भी लोक सदन द्वारा उसे पारित मान लिया जाता है, तो अंत में वह विधेयक बन जाता है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति व कार्य। दूसरा है, इससे पहले दूसरा कार्यपालिका संबंधी शक्ति व कार्य। ब्रिटेन में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल का निर्माण लोक सदन से होता है। कार्यपालिका अपनी नीतियों पर इसी सदन की सहमति प्राप्त करती है, और इसका विश्वास खोने पर पद त्याग करती है। इस उद्देश्य से लोक सदन कार्यपालिका से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछता है, और कार्यपालिका के विरुद्ध कामरोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि लाता है। तीसरा है वित्तीय शक्तियां एवं कार्य। लोक सदन को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण व वास्तविक नियंत्रण प्राप्त है। सभी वित्त विधेयक पहले लोक सदन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, और उसे अधिकार है कि वह विधेयक को रद्द करे या स्वीकार करे। धन विधेयक उसी रूप में पास होता है जिस रूप में लोक सदन पास कर दे। लॉर्ड सभा किसी धन विधेयक को एक माह तक, अर्थात वित्त विधेयक को एक माह तक रोक सकती है। लॉर्ड सदन की अन्य शक्तियां। लोक सदन की अन्य शक्तियां। लोक सदन जनमत से संबंधित कुछ कार्य करता है, अतः इसे जनमत का दर्पण कहते हैं। लोक सदन में होने वाले वाद विवाद जनमत निर्माण में सहायक होते हैं। लोक सदन में चलने वाला विवाद जनता को राजनीतिक शिक्षा देता है, जो प्रजातंत्र की रक्षा में सहायक है। इस प्रकार ब्रिटिश लोक सदन लॉर्ड सदन से अधिक शक्तिशाली है। यह कार्यपालिका विधायी कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्तियों के क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली है। लोक सदन संसद की सर्वोच्चता एवं संप्रभुता का प्रयोग करता है। वास्तव में यह कहना उचित होगा कि लोक सदन के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, और वह विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं व्यस्ततम
सदनों में से एक है। धन्यवाद।